नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन, खबर बलिया से है जहां किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों द्वारा अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए किसान मोर्चा के सदस्यों ने अपने अपने अंदाज में सरकार की नीतियों को गलत ठहराते हुए सरकार पर जमकर बरसे। किसान मोर्चा के संयोजक जनार्दन सिंह ने कहा कि कुछ मांगे स्थानीय है, जैसे धान की फसल बर्बाद हुई है उसके मुआवजे के लिए, और दूसरी मांग यह है कि सारे खेतों में अभी भी नमी है जिसके कारण खेती नहीं की जा सकती है, इसलिए इसके मुआवजे के लिए खाद नहीं मिल रही है। इसके अभाव को खत्म करने के लिए और सरकारी क्षेत्र के निजी कंपनियों को पूंजीपतियों को जो मुफ्त के भाव सरकार दे रही है उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है, और जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मान लेती हमारा विरोध जारी रहेगा। अगर अपना प्रक्रिया देते हुए बताइए। हमारा नाम जनार्दन सिंह है, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मंडल के संयोजक हैं। किन बातों को लेकर आज यहाँ पे किसान मोर्चा के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है? असल में दो एक मामले तो लोकल हैं, एक तो ये है कि जो धान की फसल बर्बाद हुई है उसके मुआवजे के लिए, और बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिसमें नमी अभी इतनी ज़्यादा है कि अभी खेती नहीं हो पाएगी तो उसके मुआवजे के लिए। दूसरा ये कि खाद नहीं मिल रहा, खाद के अभाव जान भी उसको पैदा किए जा रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के भी इसमें है मामला। और फिर तीन कृषि कानून, श्रम संहिता, महंगाई, बेकारी और सरकारी क्षेत्रों को निजी पूंजीपतियों को देसी मवेशी को मुफ्त में दे देने की जो सरकारी जो कार्य कर रही है, इन सबके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का यह आपने पत्रक भी दिया है। पत्रक अभी दें किसको दिया, संबोधित करके किसको दिया है? और वो तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है, जिलाधिकारी के मार्फत द्वारा जिलाधिकारी जाने की बात है। तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, फिर जर्मनी में लोगों ने कहा कर रहे हैं तो जो है देखा जाए लगातार आंदोलित है किसान और किसान मोर्चा के लोग, लेकिन सरकार को संज्ञान लेने के लिए सरकार की अपनी दिक्कतें हैं। सरकार जो है अगर मानिए जिनकी है वो खासतौर पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, साम्राज्यवादी पूंजीपति हैं, डब्ल्यूटीओ है, अब उनके पक्ष की है तो अगर जो ही वो सरकार जो है टाटा बिरला से लेकर के और ये अडानी अंबानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई निर्णय लेगी, जो कि 90-91 के बाद से नहीं आती है, उसके बाद से कोई नेता कोई पार्टी सरकार लेने में सक्षम नहीं रह गए। सरकार की नीति तो किसानों के फेवर में नहीं, किसानों के फेवर में, किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए तमाम योजनाएं नहीं, लाभ क्या पहुंचाना, वही बात अभी भाषण में हमारे लोग कर रहे थे कि आपकी सारी चीज़ छीन ली जाए और उसके बाद 5 रुपया छूट दे दी जाए, 100 रुपया रेट बढ़ाया जाए डीजल पेट्रोल के, और फिर 5 रुपया कम कर दिया जाए किसान का रेट बहुत ज़्यादा। उसी तरह की सारी योजनाएँ हैं, हमारे से ही हमारी धन दौलत छीन ली जाए, हमको मुफ्त राशन दे दिया जाए, हमको कहा जाए कि हम आपको वो दे रहे हैं, किसानों की सारी सब्सिडी छीन ली गई और किसान की खेती संकट में है तो अब 200 रुपया 3 महीने में या 4 महीने में जनवन 6000 रुपया जो है सालाना दे करके अभी दिखाना कि किसान सम्मान नहीं दे रहे। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति अभी फिलहाल तो हम लोग चूँकि यहाँ परमानेंट धरना प्रदर्शन करना था तीन कृषि कानून को लेकर के और वो गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर के और लोकल समस्याओं को लेकर के, लेकिन तब तक वो 22 तारीख को एक काल हो गया कि लखनऊ में महापंचायत किया जाएगा, तो उसी लिहाज से ये हुआ कि अच्छा तक एक दिवसीय कर लेते हैं फिलहाल और 22 के बाद फिर निर्णय करेंगे कि फिर लगातार इस जिले पर जो है धरना प्रदर्शन परमानेंट जो है महीने दो महीने 4 महीने हो चले तो एक मोर्चा खोला जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन इतनी जल्दी सुनने वाला नहीं।